हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड के बच्चों को आज मैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन के बारे में बताने जा रही हूँ। तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन देख लेते हैं। इसमें देखिए, एक्सेप्ट द केस इन द केस ऑफ सम सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट्स द मैच्योर पोलन ग्रेन्स हैज़ ए डबल वॉल, है ना। पोलन ग्रेन्स पर डबल वॉल होती है, जनरली पोलन ग्रेन्स पर डबल वॉल होती है। द वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव सेल्स आर सराउंडेड बाय अ थिन डेलिकेट वॉल ऑफ अनऑल्टर्ड सेल्युलोस कॉल्ड द एंडोस्पोर और एंटाइन एंड ए टफ रेजिस्टेंट आउटर क्यूटिकुलराइज्ड वॉल कंपोज लार्जली ऑफ स्पोरोपोलिनिन कॉल्ड द एक्सोस्पोर और एक्साइन। अर्थात ये देखिए, ये दो प्रकार के सेल वॉल्स होती हैं। यहाँ पे मैं बना देती हूँ, देखिए जैसे एक स्पोर है या पोलन ग्रेन है, उसके ऊपर ये दो ये सेल वॉल्स हैं। ये तो आउटर वाली जो है वो कहलाती है एक्साइन, या इसको एक्सोस्पोर भी कहते हैं, और अंदर वाली जो होती है उसको कहते हैं एंटाइन या एंडोस्पोर। ये डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है जनरली। द एक्साइन ऑफन बियर्स ए स्पाइंस और वॉर्ट्स और इज़ वेरियसली स्कल्चर्ड एंड द करेक्टर ऑफ मार्किंग इज ऑफन ऑफ द वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइंग जीनस स्पीशीज और इवन कल्टीवार और इंडिविजुअल। अब देखिए, इस पोलन ग्रेन के जो आउटर वॉल है अर्थात एक्सोस्पोर है, उसके ऊपर कई प्रकार के डिज़ाइंस या स्कल्पचर्स पाए जाते हैं, और ये स्कल्पचर्स इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि इसके आधार पर जीनस स्पीशीज या कल्टीवार का को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। द स्पाइंस में भी लेस देन अ माइक्रोन इन लेंथ, ये स्पाइंस जो है बहुत छोटे होते हैं, जिस इनको फिर स्पाइन्यूल्स या प्लूरल स्पाइन्यूलाई कहते हैं, रेफर्ड टू एज स्पाइन्यूलोज, और लॉन्गर देन ए माइक्रोन होता है तब इसको एक्निया या एक्नी कहते हैं, रेफर्ड एज एचिनेट। वेरियस टर्म्स ऑल्सो डिस्क्राइब द स्कल्पचरिंग ऑफ रेटिकुलेट अ नेट लाइक appearance consisting of elements separated from each other by a lumen या lumina. These reticulations may also be referred as brocci. तो इन आधार पर इनको देखिए define किया गया है या classify किया गया है। The pollen wall protects the sperm while the pollen grain is moving from anther to stigma. इट प्रोटेक्ट्स द वाइटल जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डाइंग आउट एंड सोलर रेडिएशन। तो जो पोलन की वॉल है या पोलन ग्रेन की जो वॉल है, वो इसको अंदर के जो कंटेंट्स होते हैं अर्थात जो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करती है जिससे कि वो ड्राई आउट नहीं हो, एंड सोलर रेडिएशन से भी उसको प्रोटेक्ट करती है। और क्योंकि पोलन ग्रेन्स एक्सपोज भी होते हैं धूप में और हवा में, तो उनको रेडिएशन से भी नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। तो इसलिए जो पोलन वॉल है वो अंदर के जो गैम्बेटिक न्यूक्लियस है उसको प्रोटेक्ट करती है और अदर सेल कंटेंट्स को भी प्रोटेक्ट करती है। द पोलन ग्रेन सरफेस इज कवर्ड विद वैक्सेस एंड प्रोटीन्स विच आर हेल्ड इन प्लेस बाय स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्कल्पचर्स एलिमेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द ग्रेन। The outer pollen wall which prevents the pollen grain from shrinking and crushing the genetic material during desiccation is composed of two layers. These two layers are the tectum and the foot layer which is just above the entine. अब देखिए, ये जो layer है आगे की, outer layer है, उसमें उसके भी देखिए further बहुत से divisions हैं, और इस divisions के आधार पर इनको देखिए एक foot layer और tectum या entine में डिवाइड किया गया है। ये मैं आपको आगे के आने वाले डायग्राम में भी बताऊंगी। द टेक्टम एंड फुट लेयर आर सेपरेटेड बाय अ रीजन कॉल्ड द कॉलुमेला विच इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेंथनिंग रॉड्स। द आउटर वॉल इज कंस्ट्रक्शन विद अ रेजिस्टेंट बायोपोलर कॉल्ड स्पोरोपोलिनिन। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, देखिए ये कैसे इसका डायग्राम्स हैं। यहाँ पे ये दिखाया गया है, देखिए ये एक एंडेक्साइन है, या कहना चाहिए फूट लेयर है,
फिर ये देखिए, ये जो है वो कॉलुमेला रीजन है, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये बाहरी वाला ये टेक्टम है या एक्टोसैक्साइन लेयर है। ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग उसको नॉमनक्लेचर दिया है, तो ये डिफरेंट लेयर्स हैं। और ये पूरी मिला करके, ये वॉल जो है देखिए, ये पूरी वॉल मिला करके ये है एग्जाइन। ये देखिए यहाँ एग्जाइन लिखा हुआ है, तो ये पूरी वॉल अभी एग्जाइन है, और यहाँ पे इंटाइन नहीं है। अभी तो हम बात सिर्फ एग्जाइन की ही कर रहे हैं। तो ये देखिए, यही बात ऊपर हमने अभी आपको बताई है। अब देख लेते हैं यहाँ पर फिर से, द टेक्टम एंड फुट लेयर आर सेपरेटेड बाय अ रीजन कॉल्ड कॉलोमेला। पोलन एपर्चर्स आर रीजन्स ऑफ पोलन वॉल दैट में इन्वॉल्व एग्जाइन थिनिंग और अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन एग्जाइन थिकनेस। दे अलाउ श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग ऑफ द ग्रेन कॉज्ड बाय द चेंजेस इन मॉइस्चर कंटेंट। द प्रोसेस ऑफ श्रिंकिंग द ग्रेन इज कॉल्ड हार्मोमिगैथी। इस प्रोसेस को हार्मोमिगैथी कहते हैं। जो पोलन के अपर्चर्स होते हैं वो रीजन्स होते हैं जहाँ पर एग्जाइन की जो लेयर है वो थिन हो जाती है ना, वहीं पर ये अपर्चर्स दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ से ही ये देखिए, श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग ऑफ ग्रेन कॉज होता है। और ये जो श्रिंकिंग ऑफ ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन है, इसको हम कहते हैं हार्मोमिगैथी। इलोंगेटेड अपर्चर्स और फरोज इन द पोलन ग्रेन आर कॉल्ड कोल्पाई। जो लंबे लंबे से जो अपर्चर्स होते हैं उनको कोल्पाई कहते हैं, इसका सिंगुलर होता है कॉल्पस। और सल्काई या सिंगुलर होता है सल्कस। अपर्चर्स दैट आर मोर सर्कुलर आर कॉल्ड पोर्स। जो सर्कुलर होते हैं एकदम होल्स, उनको हम पोर्स कहते हैं। कोल्पाई, सल्काई एंड पोर्स आर मेजर फीचर्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लास ऑफ पोलन, क्लासेस ऑफ पोलन। ये देखिए, इनके ये भी जो है शेप ऑफ अपर्चर जो है उसके आधार पर भी आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। पोलन में भी रेफर्ड टू एज इन अपर्चुरेट। अगर अपर्चर नहीं है या पोर्स नहीं है तो इन अपर्चुरेट कहलाता है, और अपर्चुरेट अगर अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं। द अपर्चर्स मे हैव अ लिड ओपरकुलम, हैंस इज डिस्क्राइब्ड एज ओपरकुलेट ऑल्सो। हाउ एवर द टर्म इन अपर्चुरेट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल टाइप सच एज फंक्शनली इन अपर्चुरेट या क्रिप्टो अपर्चुरेट एंड ओमनी अपर्चुरेट। इन अपर्चुरेट पोलन ग्रेन्स ऑफन हैव थिन वॉल्स विच फैसिलिटेट पोलन ट्यूब जर्मिनेशन एट एनी पोजिशन। द टर्म सच एज यूनी अपर्चुरेट एंड ट्राई अपर्चुरेट रेफर टू द नंबर ऑफ अपर्चर्स प्रेजेंट, वन और थ्री रेस्पेक्टिवली। द ओरिएंटेशन ऑफ फरोज रिलेटिव टू द ओरिजिनल ट्रेटार ऑफ माइक्रोस्पोर्स क्लासीफाइज द पोलन एज सल्केट और कॉल्पेट। सल्केट पोलन ग्रेन हैज़ ए फर्रो अक्रॉस द मिडल ऑफ वॉट वॉज द आउटर फेस ऑफ द पोल ऑफ फेस वेन द पोलन ग्रेन वॉज इन इट्स टेट्राड।